वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदी। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, सुनना है, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन और कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है उन लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। छोटे बड़े सब इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अज्ज़ा बताती हूँ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है और किस तरह इस दवाई को बनाना है। सबसे पहले आते हैं मुलठी। मुलठी का आपने इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है और फुलफुल दराज, जिसे मगा भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की है, आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद शहद खालस होना बहुत ज़रूरी है और आपने लेना है काकर सिंगी। काकर सिंगी जो है इस तरह की है, आप ये देख सकते हैं, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। ठीक है जी, ये काकर सिंगी है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ों को लेकर अपने इस नुस्खे को तैयार करना है। शहद आपने लेना है 100 ग्राम, काकर सिंगी लेनी है आपने 10 ग्राम, मुलठी आपने 10 ग्राम, फुलफुल दराज जिसे मगा भी कहते हैं ये आपने 10 ग्राम, और उसके बाद दालचीनी आपने 10 ग्राम। इसको बनाकर आपने शहद के अंदर मिलाकर रख लेना है। 1 चाय का चम्मच सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सादे पानी के साथ, मगर चाय के साथ अब ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको चाय के साथ इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नीम गर्म पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतरीन इसका 24 घंटे के अंदर आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि आपको खांसी जो बहुत ज़्यादा हो रही है उसका खात्मा हो जाएगा। और आपने ठंडी तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ये हाई ब्लड प्रेशर लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज जो है शहद ना इस्तेमाल करें इसके अंदर, बाकी अज्जा जो है इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। और हमल के दौरान अगर बाज़ बच्चियों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो वो भी ये मेरे नुस्खे को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने ठंडी तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ये थोड़ा सा परहेज है, और आपने 3 महीने मेरे इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करना है। परहेज़ करेंगे तो ये नुस्खा 1 महीने के लिए ही काफ़ी है। 1 महीना आपके बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, खांसी नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपने इस मेरी वीडियो को दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और ये सुबह शाम आपने मेरे इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, छोटे बच्चों को क्वान्टिटी कम कर लीजिएगा, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं बेफिक्र होकर, और बड़े एक जो है इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने बताया है। सुबह शाम आप इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये तो था एक कामयाब नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा है, तजर्बे से गुजरा नुस्खा है जो आपकी खिदमत मैंने पेश किया। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारामंद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।